velocity of efflux. देखो velocity of efflux होता क्या है इसको समझते हैं. सबसे पहले ये इस टॉपिक में आपको ये गिवन होगा कि एक टैंक है, पानी से भरा हुआ टैंक है, किसी भी लिक्विड से भरा हुआ एक टैंक है, ये रहा. तो लिक्विड है, आपने क्या किया इस टैंक के नीचे कहीं पर भी, यहां पर कहीं पर भी एक होल कर दिया, बहुत छोटा सा होल कर दिया ताकि लिक्विड इसमें से बाहर निकले. तो इस होल को या तो कई टॉपिक्स में होल लिखा होगा, एक होल कर दिया, या ओरिफिस, ओरिफिस भी होल होता है, तो कहेगा स्मॉल ओरिफिस कर दिया. तो ओरिफिस या होल एक ही बात है. तो लिक्विड यहां से क्या करेगा, बाहर निकलेगा. तो जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं. तो टैंक में से आप जब होल करते हो साइड पे और जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा, मैं फिर कह रहा हूं उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं. और मुझे कैलकुलेट करना है इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि जितना पानी का लेवल में बढ़ाता जाऊंगा उतनी तेज पानी बाहर निकलता जाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा. जितना ज्यादा लिक्विड का कॉलम का हाइट होगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड की वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी. इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, हाइट एच पे डिपेंडेंट है. क्योंकि जितना ज्यादा लिक्विड की हाइट होगी उतना लिक्विड का प्रेशर होगा एच रो जी और उतना ही वेलोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये वेलोसिटी इस हाइट पर डिपेंडेंट है? मान लो ये हाइट एच डैश है, क्या ये वेलोसिटी नीचे की हाइट पर डिपेंडेंट है, हो सकती है? हाँ या ना? अगर नीचे की हाइट बढ़ा दूं तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी कि कम होगी कि कुछ नहीं फर्क पड़ता? क्यों? क्योंकि होल के नीचे का पानी तुमने करना क्या है, होल के ऊपर का पानी खिसक के होल में से बाहर आएगा कि नीचे से उठ उठ के भी बाहर आता है अपने आप, नीचे का पानी कैसे आएगा? तो नीचे का लिक्विड मैटर नहीं करेगा इसमें. क्लियर है यहां तक? तो आपको होल के ऊपर कितना लिक्विड है वो मैटर करेगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी. ठीक, तो इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं. तो आपके पास ये शीट है, इसको स्टार्ट करते हैं.